Hello everyone, Assalamualaikum. This is Arif, your online lecturer and career master. Students, दो अहम सवाल पर डिस्कशन चल रही है. पहला सवाल प्री इंजीनियरिंग एफएससी किन बच्चों को करनी चाहिए और किन बच्चों को नहीं करनी चाहिए. दूसरा सवाल एफएससी प्री इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, हमारे पास कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और कौन से टॉप प्रोग्राम्स हैं जिन्हें पढ़कर अच्छी जॉब्स वगैरह लग जाती हैं. स्टूडेंट्स के दो डिमांडिंग क्वेश्चन होते हैं क्योंकि मैट्रिक अभी बच्चे प्रमोट हो गए, अब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो बड़ी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उनके जहन में यही क्वेश्चन चल रहे होते हैं. अच्छा, पहला वाला जो सवाल है उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी, ये पार्ट टू है. पार्ट टू में मैं आपसे ये वाला सवाल डिस्कस करूंगा, पार्ट वन में डिस्कस कर लिया है. दोनों वीडियो बहुत आपस में लेंगे, तो पहले सवाल को देख लें फिर दूसरे सवाल को देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, समझने में आसानी होगी. तो स्टार्ट करते हैं दूसरे सवाल से ही. तो प्री इंजीनियरिंग एफएससी का स्कोप क्या है यार? तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये प्री इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग से पहले है. यानी कि अगर आप करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप इंजीनियर ही बने, आप दूसरी फील्ड में भी जा सकते हैं. तो प्री इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि प्री इंजीनियरिंग लेने के बाद आप इंजीनियरिंग की हर फील्ड में जा सकते हैं. इसके अलावा भी जितनी भी फील्ड हैं आप उसमें घुस सकते हैं, जो कॉमर्स से निकलती हैं, आर्ट्स वगैरह से निकलती हैं, बस मेडिकल साइंसेज वगैरह में आप नहीं जा सकते हैं, एमबीबीएस बीडीएस वगैरह में अप्लाई नहीं कर सकते. तो अब कौन सी फील्ड्स हैं हमारे पास जो बहुत ज़्यादा, या कौन से प्रोग्राम्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, तो वो पहले बताता हूँ फिर बताऊँगा कि कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं. तो जैसे कि हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये नाम तो आपने सुने होंगे, इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है. इसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हर फील्ड की अपनी अपनी हैसियत, लेकिन ये चार प्रोग्राम पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग है. सिविल इंजीनियर्स तो मैं कहूँगा ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन हो रही है सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप कभी ख़त्म नहीं होगा. बाकी इंजीनियरिंग में अगर बात की जाए तो उनका स्कोप सिविल इंजीनियरिंग के मुकाबले कम है. इसके अलावा और भी बहुत सारी इंजीनियरिंग है, मैंने एक जगह उसको मोबाइल में टाइप करके लिख लिया, तो मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ. तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटेशनल फिजिक्स का भी ऑप्शन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीएस स्पेस साइंसेज ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीएस फिजिक्स का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बीएस नैनो टेक्नोलॉजी, बीएस कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, मटेरियल इंजीनियरिंग, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल, रोबोटिक्स, टेली कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग. इसके अलावा और भी यार हजारों इंजीनियरिंग आपके पास अवेलेबल है. तो अब हर इंजीनियरिंग का एक अपना अपना स्कोप है. टॉप इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स उन्होंने बता दिया, उनकी पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है बाकी प्रोग्राम्स में इतना स्कोप नहीं है. और स्कोप याद रखें हमेशा आपका अपना होता है, स्कोप आपका अपना है. मैं बार बार कह रहा हूँ किस लिहाज से आप किसी भी फील्ड में घुस हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बने बेस्ट, कि आपको दूसरा आके जो है हरा ना सके. जब तक आप किसी दूसरे से नहीं हार सकते, आप अपनी फील्ड के कामयाब बंदे रहेंगे और बहुत तरक्की करेंगे. अब टॉप प्रोग्राम्स की बात हो गई, टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं. टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास सबसे बड़ी नस्ट, आपने नाम सुना ही होगा, प्यास, जीजी, एनईडी. इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें टॉप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ये चार पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास. और इससे जो नीचे जॉब मार्केट है वो ख़राब होती दिखती है, ऐसा आपको बेहतरीन पता है, क्योंकि नस्ट के जो ग्रेजुएट्स हैं वो ऐसा अच्छा कॉम्पिटिशन देते हैं कि उसके मुकाबले बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी नहीं टिक पाते. और पाकिस्तान की इकनॉमी के जो हालात हैं वो मैंने पार्ट वन में बता दिया है. तो अब जॉब्स आपको इन्हीं प्रोग्राम से पढ़ के लग सकती है अच्छी. अच्छा, ये जॉब वाला जो है ये बहुत ही अजीब सा सवाल होता है कि यार पढ़ के क्या जॉब लगेगी, हमेशा हर बच्चा यही बोलता है. असल में जब हम छोटे थे, मैं भी मैट्रिक करके निकला था, और हर बच्चे का यही क्वेश्चन होता है कि यार उसे पढ़ लिख के अच्छी जॉब करनी है, तो हमारे जहन में ये होता है. तो हमेशा देखिए, हर चीज़ जॉब नहीं होती, बस आपने ये याद रखें, आपने पढ़ना शौक के लिए पढ़ना है, पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ रहे. हमें बिजनेस में हमेशा पढ़ाया गया है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करो, जब आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे उसकी आउटकम प्रॉफिट होता है, वो आपको खुद अचीव होगा. तो आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव पे काम करें, जो आपने बनना है, जब अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे उसके माहिर बनेंगे, ठीक है, और फिर उसकी जो आउटकम होगा वो प्रॉफिट, यानी कि आपकी जो सैलरी कह लो, प्रॉफिट कह लो, जो भी, तो आपको मिलेगा. तो ये हर इंसान को मिलता है. दोनों सवाल को मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया है.
वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो और कमेंट लाजमी करें करें, आपका फीडबैक जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें।